नमस्कार, आज मैं आपको बताऊंगी एक ऐसी जैविक खाद जिसे आप जब भी जिस भी पेड़ या पौधे में डालेंगे उसमें 3 से 4 दिनों में वह पेड़ या पौधा फूलों से लद जाएगा। नमस्ते, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरा गार्डन यूट्यूब चैनल में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। इससे पहले अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने टी लीफ फर्टिलाइज़र के बारे में बताया है तो आप उसे देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस वीडियो में आपको अनियन पील फर्टिलाइज़र के बारे में सारी जानकारी मिलेगी और आप उसे कैसे बनाएं और किस पौधों में इस्तेमाल करें। अनियन पील फर्टिलाइज़र या प्याज के छिलकों का फर्टिलाइज़र बहुत अच्छा सोर्स है पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, कॉपर का। देखिए, आयरन जो होता है वो प्लांट में ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करता है और मैग्नीशियम जो होता है क्लोरोफिल और जो फूड बनाते हैं प्लांट उसमें बहुत काम करता है। पोटेशियम से क्या होता है कि जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो सॉइल में हैं वो अब्सॉर्ब अच्छे से होते हैं। तो सिर्फ आप प्याज के छिलकों से एक ऐसा फर्टिलाइज़र बना सकते हैं जो आपके प्लांट की हर ज़रूरत का ख्याल रखेगा। चलिए मैं आपको बताती हूँ इसे कैसे बनाएं। आपको 3 से 4 मुट्ठी प्याज के छिलके एक पॉलीथीन में इकट्ठा कर लें। आप इसे रोज़ाना भी इकट्ठा कर सकते हैं और जब यह 3 से 4 मुट्ठी हो जाए तो आप इसे 1 लीटर पानी में भिंगो लें। अब आप इसे 24 से 48 घंटे 48 घंटे रख दें। वैसे तो अगर आप इसे 48 घंटे रखेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। इससे प्याज के छिलकों में जितने भी मिनरल्स होंगे वह पानी में आ जाएंगे। पानी अब आपका लाल कलर का हो जाएगा। वैसे तो गर्मी के दिनों में आप इसे 24 आवर्स ही रख सकते हैं, पर अगर जाड़े के दिन हैं तो आप इसको 48 घंटे या उससे ज़्यादा रखें तो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। अब आप इस पानी को छान लें। आप छिलकों को पॉट में डाल सकते हैं और उसमें मिट्टी डाल सकते हैं। इससे आपके छिलकों का भी इस्तेमाल हो जाएगा और उसमें से बदबू भी नहीं आएगी। तो एक पंथ जो दो का आप इस लिक्विड को 10 से 15 दिन तक स्टोर भी कर सकते हैं। अब आप इसे स्प्रे के रूप में भी पत्तियों में डाल सकते हैं, पर ध्यान दें, अगर आप स्प्रे के रूप में इसे पत्तियों में डाल रहे हैं तो आप इसे डाइल्यूट करके डालें जिससे आपकी पत्तियों को नुकसान नहीं होगा। पर अगर आप सॉइल में डायरेक्टली डाल रहे हैं तो इसको आप डायरेक्टली डाल सकते हैं। ये देखिए, मैंने डाला है इसको अपने रोज़ के प्लांट में और इसमें मुश्किल से 3 से 4 दिनों में इतनी कलियाँ आ जाएंगी कि हर डाल पे एक ना एक फूल खिलेगा। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप उसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक दे। थैंक यू।